हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनर। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 12x20। इसमें आपको 1 BHK पूरा कंप्लीट हाउस प्लान मिलेगा बाइक पार्किंग के साथ में। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम प्लान की वीडियो इसी तरीके से लाता रहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंप्लीट प्लान मिलता है फुल वेंटिलेशन के साथ 12x20 में, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात आती है मेन गेट की। यहाँ पे मैंने मेन गेट 4 फिट का लगाया है। ये गेट आपका 4 फिट का लगा हुआ है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके दिख जाएगा। यहाँ पे आपको गेट से एंट्री लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है। उसके बाद इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 7x9, 7x9 इस हॉल का साइज है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जीना दिख जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको जीना मिल जाता है। जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है, देख सकते हैं जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट दिया गया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने दिया हुआ है, ये आपका 2 फिट आपकी सीढ़ियाँ हैं, ये 2 फिट की आपकी सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ी के साइज मैंने दिया है, पैर रखने वाला 9 इंच का दिया है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। पैर रखने वाला 9 इंच का दिया है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज है, देख सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे आपको लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाती है। यहाँ पे आपको लेटरिन बाथरूम सीढ़ियों के नीचे मिल जाती है। इसका मैंने साइज दिया 4x6, 4x6 इसका साइज है लेटरिन बाथरूम का। यहाँ पे आपको जीने नीचे कंप्लीट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 एंट्री गेट दिखेंगे, एक आपको 3 फिट का एंट्री गेट दिखेगा, एक आपको 2.5 फिट का एंट्री गेट दिखेगा। अगर आप 3 फिट का एंट्री गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक आपको रूम दिख जाता है। यहाँ पे आपको एक बेडरूम दिख जाएगा, देख सकते हैं इसका वेंटिलेशन मैंने कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3.5x2 का स्पेस छोड़ के रखा है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन दिया है रूम का। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 7.5x10, 7.5x10 इस रूम का साइज है 7.5x10, देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको 2.5 फिट का एंट्री गेट दिखेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक किचन मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक किचन मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी आपकी किचन है, लंबी सी, देख सकते हैं। इसका वेंटिलेशन मैंने पीछे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फुल वेंटिलेशन आपका किचन का होता रहेगा। इस मैंने किचन का साइज दिया हुआ है 3.5x8, 3.5x8 इसका साइज है किचन का, देख सकते हैं 3.5x8। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको 1 BHK हाउस प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है। बड़ा सा हॉल मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की। जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर दिखेगा। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाएगा, यहाँ पे तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाएगा। जीना आपका 2 फिट का दिया है, 2 फिट का इस साइड का, 2 फिट का इस साइड का। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है, यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है। इस मैंने हॉल का साइज दिया हुआ है 6x7, 6x7 का ये आपका हॉल है, यहाँ पे 6x7 का। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल चाहिए, आपको बालकनी में आने जाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 फिट का गेट उपलब्ध कराया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 फिट का गेट उपलब्ध कराया है। वेंटिलेशन के लिए मैंने विंडो भी दिया है, यहाँ पे आप हॉल से बालकनी में आ जा सकते हैं, देख सकते हैं। छज्जा आपका 3 फिट का दिया है, ये छज्जा आपका 3 फिट का दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं 2.5 फिट का, 2 फिट का, जितना भी आपको निकालना हो। मैंने 3 फिट का यहाँ पे छज्जा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप विंडो भी आपको उपलब्ध कराइए वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटरिन बाथरूम में कुछ इस तरीके से दिखेगी, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लेटरिन बाथरूम की आधी आपको छज्जे में मिलेगी, आधी आपके आपके प्लॉट में मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री गेट मैंने अंदर से दिया है, हॉल से एंट्री गेट दिया है, लेकिन वेंटिलेशन मैंने रोड साइड से दिया है, देख सकते एंट्री गेट मैंने अंदर से दिया, वेंटिलेशन रोड साइड से दिया है। इसके लेटरिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 3.5x6, 3.5x6 मैंने इसका साइज दिया है। इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, 4 करना चाहिए 4 भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे जैसा आपको सेम प्रोसेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 एंट्री गेट दिख जाएंगे, देख सकते हैं 3 फिट का 2.5 फिट का। इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेम बेडरूम दिख जाएगा 7.5x10 का,
सकते हैं 7.5x10 का यहाँ पे आपको बेडरूम मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है 3.5x8 की, 3.5x8 की किचन मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन आपको फुल दिया गया है, ऊपर यहाँ पे जार रखा जाएगा, यहाँ पे 2.5x3 का वेंटिलेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको रूम का भी वेंटिलेशन दिया है, किचन का भी वेंटिलेशन अच्छा खासा दिया हुआ है। अब बात आती है अटिया की, यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको अटिया मिलती है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट अटिया मिलती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने लुक बनाया है। यहाँ पे जैसा कि आप मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे जाल उपलब्ध कराया गया है, यहाँ पे जाल आपका लगाया गया है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का दिया गया है, देख सकते हैं ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेलिंग में आपको पाइप का यूज किया है, आप ग्लास का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप दीवार भी बनवा सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।